ओके डियर स्टूडेंट, तो हम आ गए हैं अब कंप्रेसर चैप्टर में, और कंप्रेसर में मैं पहला पार्ट कवर करता हूँ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। और माय डियर, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर से जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी ईएससी एग्जामिनेशन के लिए। सो माय डियर, ज़्यादातर आप देखेंगे कि रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर से बहुत सारे जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते रहते हैं, और ज़्यादातर क्वेश्चन का जो केंद्र होता है, जो एम होता है, वो आसपास घूमता है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी के। तो मैं कुछ टिपिकल क्वेश्चन थ्योरेटिकली लेके आया हूँ वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी से रिलेटेड। सो माय डियर, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को हम थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं, और माय डियर वहाँ से आने वाले कुछ कॉन्सेप्चुअल थ्योरेटिकल प्रॉब्लम को भी हम एक्सप्लेन कर लेते हैं, ताकि हमारा थ्योरी का क्वेश्चन यहाँ से बचने ना पाए। सो माय डियर, हमने एक क्वेश्चन उठाया है कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर एंड एक्सप्लेन द फॉलोइंग इफेक्ट ऑन द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। मतलब ये सब अगर कर दिया जाए तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी पे क्या क्या फर्क पड़ेगा, और मैं ये भी बताऊंगा कि वो कैसे पड़ेगा। ठीक है माय डियर, तो वन बाई वन बिना टाइम वेस्ट करें हम सॉल्व करते हैं। तो पहले हम सॉल्व करते हैं ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। ओके माय डियर, सो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का बेसिक डायग्राम जनरली सबको पता होता है, सो मैं इसका जल्दी से पीवी डायग्राम बना देता हूं माय डियर। सो दिस इज द पीवी डायग्राम ऑफ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। ओके, सो दिस इज द सक्शन प्रोसेस, compression process, and that is discharge process, and this is expansion process. So my dear student, हम अच्छे से जानते हैं कि 4-to-1 suction है और 2-to-3 delivery है, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये V3 के आगे पिस्टन मूव नहीं कर सकता है, क्योंकि कुछ ना कुछ वॉल्यूम हमें छोड़ना पड़ता है, और इस वॉल्यूम को हम बोलते हैं क्लीयरेंस वॉल्यूम। ओके माय डियर, फिर क्वेश्चन आता है कि क्लीयरेंस वॉल्यूम हमें क्यों देना पड़ता है, मतलब क्या जरूरत है इस जगह को छोड़ने की, या पिस्टन का जो है ना, जो डेड एंड है, जो इनर डेड सेंटर है, या टॉप डेड सेंटर इन केस ऑफ वर्टिकल कंप्रेसर, वो आपका सिलेंडर हेड्स के थोड़ा सा पहले रुक जाते हैं। सो माय डियर, क्यों रुक जाते हैं, इसके तीन रीजन हैं। जो पहला रीजन है, वो सबसे बड़ा रीजन ये है कि अगर हम लोगों ने एक रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर को यहां से आगे नहीं बढ़ने देना है, और यही है इसका इनर डेड सेंटर। उसके पीछे वजह क्या है, पहला टू अवॉइड पिस्टन स्ट्राइकिंग विद द सिलेंडर हेड। यस माय डियर, पहला रीजन है टू अवॉइड पिस्टन स्ट्राइकिंग विद द सिलेंडर हेड, और दूसरा रीजन है कि सब लोग जानते हैं यहाँ पे वाल्व होते हैं, सक्शन वाल्व एंड डिलीवरी वाल्व। सो माय डियर, आप सब जानते हैं इन वाल्व को ओपन होने के लिए, क्लोज होने के लिए एक जगह की ज़रूरत है। तो दूसरा रीजन होता है कि आपको वाल्व टॉलरेंस देना पड़ेगा, नहीं तो ये वाल्व ओपन कैसे हो पाएंगे। ये स्प्रिंग ऑपरेटेड वाल्व होते हैं, प्लेट एंड डिस्क टाइप के वाल्व यूज होते हैं, ऑटोमेटिक वाल्व होते हैं ये। और माय डियर, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हीटिंग हो जाएगी, तो हम जानते हैं हीटिंग की वजह से मेटल जो है ना थर्मली एक्सपेंड करता है, तो अगर जगह नहीं होगी तो फिर श्योर है कि जाके स्ट्राइक कर देगा। सो फाइनली मतलब हमें क्लीयरेंस देना होगा। सो वीसी क्लीयरेंस है, और हम जान रहे हैं कि ये इनर डेड सेंटर से कोई आउटर डेड सेंटर के बीच में मूव करेगा, और इस डिस्टेंस को ही हम लोग स्ट्रोक लेंथ कहते हैं, या यहाँ पे जो वॉल्यूम ट्रेवल होता है उसे हम स्वेप्ट वॉल्यूम कहते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, अगर हम अपने इस डायग्राम से समझें, तो ये रहा हमारा V1, रहा हमारा आउटर डेड सेंटर, और V3 रहा हमारा इनर डेड सेंटर, और स्वेप्ट कितना हुआ है, एंड दैट स्वेप्ट हुआ है हमारा
V1 minus V3. Okay, my dear. So, swept volume is V1 minus V3. Okay. और माय डियर स्टूडेंट, हम सब अच्छे से जानते हैं कि जो हमारा सक्शन वाल्व ओपन होता है वो जब हमारा ये पिस्टन जो है ना स्ट्रोक लेंथ कवर करता है 3 to 1, तो 3 to 4 तक पुरानी एयर ही एक्सपेंड होती रहती है और पुरानी एयर ही एक्सपेंड होती रहती है. और जब एयर का सक्शन शुरू होता है वो 0.4 से शुरू होता है, मतलब जो पूरा स्ट्रोक लेता है ये बैकवर्ड स्ट्रोक जब ये लेता है, जब इनर डेड से आउटर डेड सेंटर आता है तो कुछ यहाँ तक, इसको हम 0.4 बोल सकते हैं, ये 0.3 है. तो 3 to 4 तक जो है सक्शन वाल्व ओपन नहीं होता है, डिस्चार्ज वाल्व भी क्लोज रहता है और होता है कि पुरानी एयर एक्सपेंड होती है, नई एयर आना शुरू 4 से होती. सो माय डियर, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक्चुअल वॉल्यूम कितना इन होता है, सो हमारा आंसर होगा V1 माइनस V4. मतलब जो वॉल्यूम है हमारा V4 माइनस V3, यहाँ तक इस वॉल्यूम तक कोई भी एयर हमारी जो है ना इन नहीं हुई. अब अगर हम बात करें कि वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होती है, ओके, सो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी डिफाइन करी गई है एक्चुअल वॉल्यूम डिलीवर्ड टू द थ्योरेटिकल वॉल्यूम डिलीवर्ड. सो एक्चुअल वॉल्यूम डिलीवर्ड और थ्योरेटिकल वॉल्यूम डिलीवर्ड में मतलब अंतर क्या है? देखिए, एक्चुअल में जो वॉल्यूम डिलीवर्ड हुआ, देखिए नाम जरूर ऐसा लिखते हैं कि एक्चुअल वॉल्यूम डिलीवर्ड, लेकिन इसका जो असली मतलब होता है, डिलीवर्ड वर्ड का इस्तेमाल जरूर किया गया है लेकिन इसका मतलब होता है कि एयर ने कितना वॉल्यूम जो है ना वो इनटेक किया. और ये टर्म जो डिलीवर्ड वर्ड आया है ये एक्चुअली में आया है फ्री एयर डिलीवर्ड से. तो जब भी लिखा हो कि कंप्रेसर इज डिलीवरिंग दिस एट दिस प्रेशर एंड दिस टेम्परेचर, इसका मतलब है वो उसको इस पर्टिकुलर प्रेशर, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर में देख रहा है. मतलब अगर मैं कहूँ कि ये कंप्रेसर जो है ना एक्चुअल कितना वॉल्यूम डिलीवर्ड कर रहा होगा, तो मैं कहूँगा माय डियर ये कंप्रेसर डिलीवर्ड कर रहा है V1 माइनस V4 एट P1 प्रेशर एंड T1 टेम्परेचर. ऐसे ही हम कह सकते हैं कि ये वॉल्यूम डिलीवर्ड करेगा V2 माइनस V3 एट P2 एंड T2. सो माय डियर, ये डिलीवर्ड मतलब वर्ड का मतलब केवल जो है ना डिलीवर्ड करने से नहीं है, इसका मतलब एक पर्टिकुलर प्रेशर और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो वॉल्यूम है उस वॉल्यूम को ये डिलीवर्ड वर्ड का इस्तेमाल करता है. सो माय डियर, मेरे हिसाब से आप समझ गए हैं एक्चुअल वॉल्यूम डिलीवर्ड है V1 माइनस V4 और थ्योरेटिकल वॉल्यूम डिलीवर्ड का मतलब है कि जो पूरा बैक स्ट्रोक था या इनर डेड सेंटर से आउटर डेड सेंटर था, इस पूरे में एयर नहीं आई, लेकिन अगर सब कुछ बेस्ट होता, अगर कोई क्लियरेंस ना होता, तो फिर जो वॉल्यूम डिलीवर्ड होता वो होता V1 माइनस V3, या इसको हम लोग बोल सकते हैं VS. सो के माय डियर, अगर हम वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी पे थोड़ा सा आगे बढ़ें तो V1 माइनस V4 डिवाइड बाई VS को हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि पूरा स्ट्रोक था VS. यस माय डियर, पूरा स्ट्रोक था VS, लेकिन उसमें से V4 माइनस V3 में कोई भी एयर अंदर नहीं आई, तो जितने में एयर का इंटेक हुआ है वो उसको सबट्रैक करने से आपको मिल जाएगा. सो माय डियर, अगर आप मैथमेटिकली चेक करेंगे तो भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू है V1 माइनस V3 और यहाँ से जब आप पुट करेंगे V1 माइनस V3 और यहाँ पे डेटा पुट करेंगे तो ये V3 कैंसिल आउट हो जाएगा और मैथमेटिकली आपको यही दिखाएगा. पर मैथमेटिकली नहीं, आप थ्योरेटिकली सोच सकते हैं कि पूरा स्ट्रोक लिया उसने VS, लेकिन इतने हिस्से में पुरानी एयर ही एक्सपेंड हुई. सो माय डियर, अगर यहाँ से थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ जाएं तो ये हो जाएगा 1. अच्छा, आप अच्छे से जानते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं प्लस V3 / VS और यहाँ पे हम लिख सकते हैं V4 / VS. अभी अभी हमने डिस्कशन किया था कि V3 ही VC है और एक नया टर्म मान लेते हैं, कि क्लियरेंस वॉल्यूम स्ट्रोक वॉल्यूम का रेशियो सी से नोट करते हैं, जैसे हम क्लियरेंस रेशियो नाम से जानते हैं. तो क्या आप देख पा रहे हैं ये टर्म हो जाएगा सी और यहाँ आपको दिखेगा V4 माइनस
माइनस वी फोर अपॉन वी एस। यहाँ क्या करते हैं, एक वी सी मल्टीप्लाई और एक वी सी डिवाइड कर देते हैं, और आप देख रहे होंगे कि यहाँ से वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी हो जाएगी वन प्लस सी माइनस, ये एक टर्म और सी बन जाएगा क्योंकि वी सी अपॉन वी एस को भी हम सी लिख सकते हैं, और वी फोर वी सी को हम वी थ्री लिख सकते हैं। और अगर कंप्रेशन और एक्सपेंशन फॉलो कर रहे हैं पी वी की पावर एन इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो बहुत आसानी से लिख सकते हैं हम वी फोर बाई वी थ्री इक्वल टू वी फोर बाई वी थ्री इक्वल टू, जब आप इसको रिप्लेस करेंगे तो आपको दिखेगा पी थ्री बाई पी फोर की पावर वन अपॉन एन। और P3 आप अच्छे से देख रहे होंगे इस डायग्राम के हिसाब से, जो हम कंप्रेसर का डायग्राम देखें तो P3 इज नथिंग बट इक्वल टू P2, और V1 और V4, सॉरी P1 और P4 सेम है, तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि दिस इज इक्वल टू P2 बाई P1 टू पावर 1 बाई n। सो माय डियर, यहाँ से ये फॉर्मूला ड्राइव हो जाता है जो लगभग मेरे हिसाब से सारे स्टूडेंट्स को याद होता है, पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको ये ड्राइव करने को तो नहीं आता है। पर माय डियर, जो अगला क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने एक्सप्रेशन तो ड्राइव कर दिया जो लगभग सबको याद होता है, लेकिन एक बार फिर से क्वेश्चन पे आ जाते हैं और वहीं से ज्यादातर ऑब्जेक्टिव बनते हैं। क्वेश्चन कहता है इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ द कंप्रेसर, अगर कंप्रेसर को हम और तेज आरपीएम से चलाएं, सो माय डियर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी पे फर्क क्या पड़ेगा, मतलब यहां से ऑब्जेक्टिव बनते हैं। तो माय डियर, मैं चारों को क्लियर करता हूं, जिसमें हम पहले पॉइंट पे आ जाते हैं कि इंक्रीज द स्पीड ऑफ कंप्रेसर। अगर हम कंप्रेसर की स्पीड को बढ़ाएंगे माय डियर, तो हम जानते हैं जितना तेज आप कंप्रेसर के क्रैंक को रोटेट करेंगे उतना ज्यादा मीन स्पीड होगी पिस्टन की। पिस्टन की मीन स्पीड Vm से हम लिखते हैं और सब जानते हैं वो होता है 2ln by 60। तो n बढ़ाने से, RPM बढ़ाने से मीन स्पीड भी बढ़ती है, और अगर मीन स्पीड बढ़ती है ना माय डियर, तो फिर पिस्टन का सिलेंडर हेड से स्ट्राइक करने का चांस बढ़ जाता है। और एक रूल याद रखिए कि जितना ज़्यादा मीन स्पीड होगी आपको उतना ज़्यादा क्लियरेंस देना होता है, और जितना ज़्यादा स्पीड होती है उतना क्लियरेंस देना होता है। इसका मतलब जब भी आप आरपीएम बढ़ाएंगे, वेल नोन मतलब है मीन स्पीड बढ़ेगी और आपको बढ़ाना पड़ेगा क्लियरेंस, क्योंकि आप अगर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी के फॉर्मूलों को देखें तो यहाँ आपको स्पीड का टर्म नज़र नहीं आता है। इसलिए मैंने ऐसे क्वेश्चन उठाए हैं जो बहुत ट्रिकी हैं, यहीं से बनता है। तो मेरे भाई, आपको सी बढ़ाना पड़ेगा, और जब आप सी को बढ़ाएंगे तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी जो है, देखिए ये सी और ये वाला सी के साथ जो मल्टीप्लाई है ना, ये वन से बड़ा होगा, तो इफेक्ट इसका ही ज़्यादा होगा, मतलब वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है माय डियर, ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। अब हम आ जाते हैं इसके प्रॉब्लम टू पे। दूसरा प्रॉब्लम है इंक्रीज इन द इनलेट टेम्परेचर ऑफ वेपर टू द कंप्रेसर। देखिए बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और ज़्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पे कन्फ्यूज होते हैं। देखिए दो बातों को मैं हाईलाइट करता हूं जहां से ये क्वेश्चन बनता है। पहला तो उसने एक वर्ड लिखा है वेपर। अगर वेपर वर्ड लिखा है इससे क्या कहना चाहता है मैं बताता हूं आपको, और दूसरा ये कहना चाहता है इनलेट टेम्परेचर को बढ़ाया गया। ठीक है ठीक है ठीक है, तो अगर आप इस फॉर्मूले को देखेंगे तो हम आ जाते हैं इसके दूसरे पार्ट पे, इनलेट टेम्परेचर को राइज करने से क्या होगा। देखिए माय डियर, मैं बहुत क्लियरिटी से ये क्वेश्चन बताता हूँ, इसके लिए कई सारे एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं, लेकिन जो यूपीएससी में इसका आंसर बताया गया है वो कैसे बताया गया मैं आपको समझाता हूँ। देखिए हम सभी ने वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल पढ़ी, और हम सब अच्छे से जानते हैं कि जो कंप्रेसर है रेसिप्रोकेटिंग वाला, उसका ज़्यादातर यूज माय डियर स्टूडेंट, ज़्यादातर यूज जो है ना वो आपका रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स में है। सो माय डियर, अगर आपको याद है वो, तो मैं इसका डायग्राम आपको बना देता हूँ। देखिए याद करिए, ये होता था हमारा एवोपरेटर, और यहाँ के बाद ये कंडेंसर,
और ये डिवाइस होती थी कंप्रेसर। तो नाम दे सकते हैं कंप्रेसर, कंडेंसर, और यहाँ से थ्रॉटलिंग का इस्तेमाल होता था। ओके, सो ये मैंने आपके लिए वेपर कंप्रेशन या VCRS को बनाया है। सो दिस इज द VCRS साइकिल। सो माय डियर, अगर मैं आपसे जो पूछना चाहता हूँ उसको ध्यान सुनिएगा। इनलेट टेम्परेचर को बढ़ाया, और जो कंप्रेसर का ये पर्टिकुलर क्वेश्चन बनता है ना, जहाँ पे वेपर वर्ड का इस्तेमाल हो या नहीं भी हो ना, तो ये मान के ही चलना है कि ये जो क्वेश्चन आया है ना, ये रेफ्रिजरेशन साइकिल से। अब हम अच्छे से जानते हैं ये वाला टेम्परेचर होता है सेचुरेशन टेम्परेचर। और माय डियर, अकॉर्डिंग टू गिब्स फेज रूल, देयर इज ओनली वन सेचुरेशन प्रेशर करस्पॉन्डिंग टू वन टेम्परेचर। अब वो कहता है कि अगर हम इस टेम्परेचर को बढ़ा दें, मतलब जो कंप्रेसर में एंट्री हो वन वाले टेम्परेचर या TS1 में एंट्री ना हो, थोड़ा सा हाइयर टेम्परेचर पे हो। सो माय डियर, अगर ये थोड़ा सा हाइयर टेम्परेचर पे एंट्री होता, मान लेते हैं कोई TS2 पे एंटर होता, सो डेफिनेटली जो TS1 है इसके करस्पॉन्डिंग प्रेशर कोई PS1 होता, या जिसे हम P1 लिखने जा रहे हैं। और माय डियर, नया वाला करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो कि हमारा सेचुरेशन प्रेशर होता है, वो कोई PS2 होता है, जिसे हम P1 लिख देते हैं। और आप देख लीजिए क्या हमारा P1 जो है ना, सेचुरेशन टेम्परेचर या इनलेट टेम्परेचर बढ़ाने से, क्योंकि वो सेचुरेशन टेम्परेचर होता है, प्रेशर भी बढ़ता है। और माय डियर, अगर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को देखा जाए तो होता है 1 + C - C P2/P1 / 1/L। इसका मतलब है जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो P1 को भी बढ़ा देंगे, और अगर P1 इंक्रीज होगा तो आप देख लीजिए वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपको देना होता है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इंक्रीजेस। माय डियर, ये क्वेश्चन आपका VCRS से बनता है, इसमें कोई सोचना नहीं है आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है और UPSC ने अपने आंसर्स में इसी तरह से समझाया है। हम आ जाते हैं इसके तीसरे पार्ट पे। सो माय डियर, तीसरा पार्ट है हीटिंग इन द सिलेंडर वाल, इसको भी समझ लेते हैं हम। हीटिंग इन द सिलेंडर वॉल में आ जाते हैं। सो नंबर थर्ड, हीटिंग द सिलेंडर वॉल। सो माय डियर, हीटिंग द सिलेंडर वॉल पे अगर हम आ जाएं, सो यहाँ से देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन बनता है, उसको भी आसानी से समझा जा सकता है, क्योंकि ये सारे टर्म आपको फॉर्मूले भी नहीं दिख रहे हैं, और ज़्यादातर लोग फॉर्मूले लगाने की सोचेंगे तो वो कह देंगे इंडिपेंडेंट, जबकि ऐसा नहीं है। देखिए, अगर सिलेंडर वॉल में हीटिंग हुई, नहीं तो हम यहाँ पे वाटर जैकेट्स वगैरह लगा के इसको लगातार कूल करते रहते हैं, लेकिन मान लीजिए वो कूलिंग नहीं करी तो क्या होगा? तो होगा ये माय डियर कि यहाँ पे जो गैस है या कोई वेपर है या एयर है, जो भी हमने इनटेक किया है, अब आप सोचिए इनके बीच में हीट ट्रांसफर होगा, क्योंकि वाल का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा है, और जब वाल से गैस में हीट एडिशन होगा तो गैस का भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो माय डियर, अगर गैस का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, सो हम यहाँ से कह सकते हैं कि प्रेशर इक्वल टू ρRT। सो माय डियर स्टूडेंट, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, सो डेफिनेटली अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो डेंसिटी कम होगी, और डेंसिटी कम होने का मतलब है कि इसका वॉल्यूम पर केजी के लिए स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है इंक्रीज होगा। तो होगा ये कि जरा सी एयर जब इनटेक होगी, तो जरा सी एयर ही जब इनटेक होगी तो वो कम एयर, छोटा मास फ्लो रेट, मतलब कम वैल्यू मास फ्लो रेट की, या कम एयर ही अंदर आके ज़्यादा वॉल्यूम होने की वजह से पूरे में फैल जाएगी, और फर्दर जो एयर आने वाली होगी उसको रजिस्ट करेगी माय डियर। और जितना ज़्यादा ये हीटिंग होगी, उतना जो एयर बाहर से अंदर आने वाली है उसको रजिस्टेंस मिलेगा, क्योंकि एयर अंदर इंटर होने के बाद सडनली पूरी जगह को कवर कर लेगी, एक टर्बुलेंस पैदा करेगी माय डियर। सो जो नेक्स्ट एयर की एंट्री होगी, जो कमिंग एयर होगी, उसको अंदर इंटर होने नहीं देगी। इसका मतलब वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कम होगी।
अच्छा, इस एक्सप्लेनेशन को एक तरीके से और भी दिया जाता है कहीं कहीं कि माय डियर अगर हीटिंग इन द वॉल होगा तो इसका एक्सप्लेनेशन नंबर टू है कि अगर हीटिंग इन वॉल होगा तो माय डियर थर्मल एक्सपेंशन के चांस भी ज़्यादा होंगे, और थर्मल एक्सपेंशन के चांस ज़्यादा होंगे तो हमें क्लियरेंस ज़्यादा देना पड़ेगा, और क्लियरेंस ज़्यादा देना पड़ेगा इस तरह से भी आप बोल सकते हैं कि वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कम होगी माय डियर। और कहीं कहीं एक्सप्लेनेशन ऐसे भी दिया जाता है कि अगर यहाँ से जो है ना हमारा जो हीट ट्रांसफ़र हुआ, और हीट ट्रांसफ़र हुआ और अगर गैस या जो भी वेपर है उसका जो है ना टेम्परेचर राइज हुआ, अब वो कोई आइडियल गैस तो है नहीं क्योंकि ज़्यादातर वेपर आइडियल गैस में नहीं आते हैं, और अगर हीट एडिशन हुआ और टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, क्योंकि अगर गैस का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो माय डियर हम सब जानते हैं कि जो आइडियल गैस या परफेक्ट गैस नहीं होती है ना उसमें हीटिंग से सीपी बढ़ता है, सीवी भी बढ़ता है, लेकिन गामा जो है कम होता है। मतलब अगर गामा कम होगा या वो एक्सपेंशन वाले जो इंडेक्स है वो कम होगा, सो माय डियर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी भी कम होगी। तो ये तीन तीन एक्सप्लेनेशन दिए जा सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो पहला वाला एक्सप्लेनेशन है वो बेस्ट है, दूसरा भी बेस्ट है, लेकिन ये वाला भी बेस्ट है, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि भाई आइडियल परफेक्ट गैस हम मान लें तो हो सकता है ये आखिरी वाला एक्सप्लेनेशन हम ना दें, लेकिन ये दो एक्सप्लेनेशन आप हमेशा दे सकते हैं। एक आखिरी क्वेश्चन बनता है, खैर वो आप आसानी समझ गए होंगे, कि थ्रॉटलिंग एट इनलेट एंड आउटलेट, और थ्रॉटलिंग का मतलब होता है फ्लो थ्रू अ वेरी स्मॉल ओपनिंग। अब आप बताइए अगर स्मॉल ओपनिंग होगी, अगर वाल्व इनटेक में स्मॉल ओपनिंग होगी और जो डिलीवर करना होगा वहाँ भी स्मॉल ओपनिंग होगी, सो माय डियर जो एयर अंदर आना है उसको भी मुश्किल होगा, एयर को बाहर जाने में भी मुश्किल होगा। डेफिनेटली जितना ज़्यादा थ्रॉटलिंग होगा उतना वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कम होगी, क्योंकि अंदर आने वाली एयर ही कम हो जाएगी, सो माय डियर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कम होगी। सो होप अगर आपने अच्छे से सुना है तो मेरे हिसाब से पुरानी ईयर के लगभग लगभग आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे माय डियर।